आप जानते होंगे, जब आप 10th स्टैंडर्ड में रहते हैं जी बिल्कुल तो हम लोग जब इधर जाने जाने वाले होते हैं हाँ तो बहुत सारे फील्ड रहते हैं। अगर आप साइंस लेते हैं तो हाँ आप तीन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते मैंने हैं। पीसी भी लिया था, साइंस लिया था मैंने, पीसी भी लिया था, हाँ तो मैं वही तो बायो मैं हूँ, बोल रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायो तो हाँ अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स है बायोलॉजी में, एंड माइक्रोबायोलॉजी उसका एक फील्ड है। जी माइक्रोबायोलॉजी जो है वो अगर हम डिवाइड करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब छोटे, छोटे एंड बायोलॉजी मतलब ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जी उसकी जो स्टडी है हाँ उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो हम माइक्रोबायोलॉजी तब पढ़ते हैं जब हम लोग को इन छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या करते हैं, क्यों करते हैं, और हमें इनकी जरूरत है, अगर है तो कहाँ कहाँ, और कहाँ कहाँ है, क्यों हम है, क्यों यूज कैसे कर है, सकते क्या हैं कर अपने, सकते तो हैं। ह्यूमंस कैसे उन्हें यूज कर सकते हैं, ये हर एक चीज पढ़ने के लिए हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। जी और ये तो हुआ माइक्रोबायोलॉजी का। अब ये जो सवाल था मेरा कि व्हाट आर माइक्रोब्स, जिसके बारे में आपने हमें कुछ कुछ जो हिंट दिए, व्हाट डज वन मीन बाय माइक्रोबायोलॉजी, जिसके बारे में आपने हमें बता दिया, अब अगर इसको इलेबोरेट भी करें तो कैन यू इलेबोरेट ऑन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्ट्रीब्यूट टू बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि एक भाई माइक्रोबायोलॉजी, अब माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी में किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपना, और क्या वितान क्या रहता है, और डेफिनेशन क्या है, डायमेंशंस क्या है, ये बताइए। यस तो बायोटेक्नोलॉजी भी एक बायो का फील्ड है, जी जहाँ पे हम लोग अगेन बायो मतलब ऑर्गेनिजम्स एंड टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी को यूज करके उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। जी तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बायोटेक्नोलॉजी ये दोनों को जी कंबाइन करके अपने ह्यूमंस के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड आज अभिनव, अगर मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल पूछूं, तो प्लीज आप वैक्सीनेटेड हो क्या? हाँ मैं वैक्सीनेटेड तो हूँ आपके अंदर जो वैक्सीन है उससे भी बायोटेक्नोलॉजी ने ही बनाया है, जी, माइक्रोबायोलॉजी को यूज करके। क्योंकि लास्ट तो टाइम जो स्टूडेंट आए थे उन्होंने बताया था कि हम एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके जो हमने बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो हाँ, वो सारी जो चीजें चल रही है बायोटेक्नोलॉजी वाली ही हैं। जी तो ये एक यूज है। एंड आपने कभी दही खाया है? हाँ जी बिल्कुल, जो फर्मेंटेशन जो होता है, फर्मेंटेशन, आई थिंक यस, एल्गी और शैवाल जो हमने वहां हाँ पढ़े थे हाँ तो वो उसके अंदर का भी जो बैक्टीरिया है जी वो, जिसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, वो मिल्क को कन्वर्ट करता है दही में। एंड वैसे हम लोग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, ताकि हम लोग बहुत सारे फील्ड्स में यूज कर सकते हैं, जैसे कि खाने का नेचुरल फील्ड, चीजों में भी होता है नेचुरल सर्टेन चीजों। प्रॉपर्टी, और वैसे जैसे कहते हैं ना गंगा जल के साथ, एक ये बड़ी अच्छी बात है साइंटिफिक, लोग कहते हैं हाँ रिलीजियस है तो अलग बात है, साइंटिफिक ये है कि भाई उसका पानी क्यों नहीं सड़ता है, और कैसे मतलब आप शुद्ध होते हो, वो तो कहते नहीं भाई उसके अंदर एक बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है जो हाँ एक्चुअली बैक्टीरिया को मारता है, वो ऐसा वायरस है, इस वजह से वो पानी बड़ा शुद्ध और साफ अरे रहता है, वाह, एकदम सही बस बात। थोड़ा बहुत पढ़ रखा है इस वजह से। तो ये बड़ा अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया इसका बताया। और अब तीसरा जो सवाल है मेरा वो ये है कि कैन यू गिव अ फ्यू डे टू डे एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई भी मतलब, वैसे तो बहुत सारी इतनी सारी बहुत चीजें हैं कि सारे, हम तो साइंस के आसपास ही हैं, और अगर पूजा भी कुछ बोलना चाहते तो पूजा भी अब कह रही है कि नहीं मुझे भी कुछ बताना है, तो पूजा ही बताएंगी जी अब। सबसे हाँ पहले तो डे टू डे अगर आप बात करते हैं, हाँ हम लोगों ने बहुत देखा होगा कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आपने सुना होगा, जी बिल्कुल तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, बिकॉज जो भी इंडस्ट्रीज है उनमें हाँ से जो भी वेस्ट निकलता है, जैसे एयर पोल्यूटेंट्स निकलते हैं या कोई भी निकलता है, वो जी डायरेक्ट वाटर बॉडी में जाके मिलता है। एंड उधर की जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनके लाइफ को एक बहुत थ्रेट होता है, बिल्कुल बिकॉज होता है वो जो जो भी टॉक्सिन रिलीज होता है वो उनको कंज्यूम करके उनकी डेथ होती है। और एंड बहुत अगर ऊंचे लेवल पर होता है, राइट क्योंकि बहुत खतरनाक, एग्जैक्टली मतलब पूरा पानी पॉल्यूट कर पूरा देते हैं वो। एग्जैक्टली और फिर वो जो फिश या जो भी है वो हम कंज्यूम करते हैं, तो वो एक होता है कि वो बढ़ता जाता है, हमारे बॉडी में भी वो आ जाता है, फिर हम जी लोग को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो उसकी वजह से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एक ऐसा एस्पेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें हम लोग माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, हम लोग ओके एनएरोबिक या एरोबिक माइक्रोब्स यूज़ करते हैं। तो उसके वजह से हम लोग जो भी वेस्ट वाटर है उसको इस लेवल पे ले आते हैं कि एटलीस्ट उनको हम वाटर बॉडीज तक छोड़ सकें। तो फिर अगर वो ट्रीटेड वेस्ट वाटर अगर वाटर बॉडीज में जाके मिलता है, तो फिर उसका जो टॉक्सिसिटी लेवल है वो कम हो जाता है। अच्छा बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ पृथ्वी कुछ कह रहे थे आप, मेरे पास भी एक बहुत छोटा एग्जांपल है प्लीज प्लीज जिसमें हम लोग डे टू डे, एक आपने राइस सुना रहेगा गोल्डन राइस गोल्डन करके, राइस जी जो राइस का कलर रहता है गोल्डन रहता है, तो एक्चुअली उसको भी हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही बनाया गया है। अच्छा कैसे? उसको कैरेटीन ए करके एक पिगमेंट है उसके अंदर इंटीग्रेट करके उसको बनाया गया है। तो आप अगर गोल्डन ए खाते गोल्डन ये सॉरी गोल्डन राइस खाते हैं, जी तो आपके अंदर अगर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए हो जी तो वो जी गोल्डन राइस आपको उससे मदद करेगा डील ओके करने के लिए।
डेफिशिएंसी को आपकी कमी को पूरी कर देगा। नथिंग इज दैट। ओके, तो अब मेरे कुछ पूजा से सवाल है, क्योंकि पृथ्वी से तो मैंने कुछ सवाल कर ही लिए, वो ये है कि हाउ डज जेनेटिक इंजीनियरिंग रिलेट टू माइक्रोबायोलॉजी। सो इसके बारे में जो डे टू डे एग्जांपल के बाद जो आपसे बात मुझे करनी थी वो ये थी, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में प्लीज आप बताइए कि माइक्रोबायोलॉजी से किस तरह रिलेट है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक फील्ड है जहाँ पे जो भी जेनेटिक मटेरियल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो दैट फील्ड इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आप पूछे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और माइक्रोबायोलॉजी कैसे रिलेट करता है, तो एक एग्जांपल पृथ्वी ने अभी दिया अबाउट गोल्डन राइस। दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल। तो बीटी इज एक्चुअली स्टैंड्स फॉर बैसिलस थुरियनजेनेसिस, बट अगर मैं बहुत लेमन तो मैं लेमन टर्म्स में बोलूँ तो वो एक बैक्टीरिया है। बेसिकली वो एक बैक्टीरिया है और उसको हम लोग ऐसा मॉडिफाई करते हैं, बेसिकली उसके जीन्स को मॉडिफाई करते हैं प्लांट के, कि जो भी पेस्ट है वो प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाता है। तो जो कॉटन प्लांट्स है वो बहुत प्रोन होते हैं यूजुअली, बहुत पेस्ट आते हैं, हाँ बहुत पेस्ट होते हैं, एंड उसको यू नो रेजिस्ट करने के लिए हम लोग उसको उसके जीन्स को मॉडिफाई करते हैं यूजिंग अ बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड बीटी। तो बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल बहुत कॉमन है आजकल, बहुत चल रहा है, एंड उसकी वजह से हम लोग को ऐसे क्रॉप्स मिल रहे हैं जो पेस्ट रेजिस्टेंट है, मतलब वो उतना आसानी से पेस्ट की वजह से सड़ नहीं जाते, एंड उनका फिर यील्ड भी अच्छा मिलता है। बहुत अच्छा, मतलब रिजल्ट उनका बेसिकली रिजल्ट मतलब उनका अच्छा होता है। और एक और अब ये क्वेश्चन वो ये है कि मेरे पास है, हाउ डू माइक्रोब्स प्ले अ रोल इन एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। तो एनवायरमेंटल देखिए जो भी माइक्रोब्स है वो जैसे एक बच्चा बॉर्न होता है तब से उसके आजू बाजू माइक्रोब्स है, उसके अंदर माइक्रोब्स है, एंड जो बच्चा है वो इफेक्ट होता रहता है माइक्रोब से। तो मैं ये कहूँगी कि एनवायरमेंट में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग। हम लोग अभी इस रूम में यहाँ पे आई डोंट नो कितने माइक्रोब्स है, बाहर जाएंगे अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स होते हैं, अलग अलग एनवायरमेंट में होते हैं, मतलब बैक्टीरिया कितने हुए ये तो हर जगह फैले हुए, बैक्टीरिया ही है। तो हर एक एनवायरमेंट में अपना एक बैक्टीरिया होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि माइक्रोबायोम कहते हैं हम उनको। उसका मतलब है कि एक एनवायरमेंट में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रोब्स विल बी एग्जिस्टिंग। मतलब आप अगर आप सॉल्ट के पानी में जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स मिलेंगे आपको, अलग बैक्टीरिया मिलेगा, और आप पॉन्ड में जाएंगे हॉट स्प्रिंग में, हाँ पॉन्ड में अलग मिलेगा, आप हॉट स्प्रिंग में जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब मिलेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब बहुत जगह पे मिलेंगे, एंड अगर हम उसका एनालिसिस करेंगे तो उसका हम लोग को बहुत इफेक्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अभी गट माइक्रोबायोम की अगर हम बात करते हैं, हमारा जो गट है इंटेस्टाइन स्टमक और पूरा जो गट लाइनिंग है उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स है। आजकल ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फील्ड है अबाउट गट माइक्रोबायोम। अगर हम गट में जो भी माइक्रोब्स है अगर हमें पता चल जाता है कि किस टाइप ऑफ माइक्रोब्स एक्चुअली है एक इंडिविजुअल में, उसके बेसिस पे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन देके। बिल्कुल, कुछ कहना था जी। आपका जो सवाल था एनवायरमेंटल एनवायरमेंट में कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं, आई थिंक इसका आंसर स्टार्टिंग में पूजा ने दिया था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के हिसाब से, कि पानी आज हम जानते हैं कि पानी की कमी कितनी ज्यादा है आजकल दुनिया में, तो हम पानी वेस्ट नहीं कर सकते, तो जो पानी गंदा हो चुका है उससे हम कैसे क्लीन करें। हम लोग इसमें हमारे पावरफुल मैजिशियंस या हमारे जो आर्मी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उनका यूज करते हैं, जो रिसाइकलिंग हो रही है, हाँ बेसिकली रिसाइकलिंग हो रही है, वो पानी के अंदर जो भी गंदे वस्तु है जो भी डर्ट है हर चीज उसको एलिमिनेट कर देते निकाल देते ताकि हम लोग उसी पानी को वापस यूज कर सके। वाह बहुत बढ़िया, ये एक सबसे कमाल की बात आई, अच्छी चीज आई। और क्या इसके साथ ये भी होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह जो सारी चीजें उसके बाद आप उसको भी डेवलपमेंट में ला रहे हैं, मतलब वाटर को यूज करते हो, हाँ, आप शुद्ध करते हो, उसे प्योर करते हो। हाँ, आपने जैसे बोला रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम लोग रेन वाटर कलेक्ट करते हैं, उसको हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें भी एनवायरमेंट के बहुत सारे बुरी चीजें हो सकती है, बुरे ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे अच्छे ऑर्गेनिजम्स है जो हमें मदद कर रहे हैं, देयर आर ऑल्सो बैड ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, एंड उन्हें एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग उसमें बहुत सारे अपने टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, एंड अपने हमारे बुरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस, सॉरी हमारे अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, वो है पूजा से दोबारा, कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू डज द फ्यूचर होल्ड विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोबायोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में किस तरह से अब सहायता करती है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में आप इसका कहाँ स्कोप देख रहे हैं। तो एक बात है कि बायोटेक्नोलॉजी आजकल बायो इन्फॉर्मेटिक्स से भी बहुत जुड़ गया है। हाँ, बायोटेक के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी एक बहुत पिलर ऑफ सपोर्ट है।
क्योंकि दोनों ऐसे हैंड इन हैंड चलते हैं, बायो इन्फो के बिना बायोटेक में थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगे। तो स्टूडेंट आए तो मुझे उन्होंने बताया था कि एक बायोटेक की थी एक बायो इन्फोमेटिक्स के, बोले कि हम दोनों कर रहे हैं क्योंकि साथ ही साथ काफी चीजें चल रही हैं साइमल्टेनियसली। तो हमारे कॉलेज में हम लोग को बायोटेक के साथ साथ बायो इन्फो भी पढ़ाया जाता है इसी वजह से, बिकॉज सिर्फ बायोटेक पढ़ के बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक जो भी माइक्रोब्स है उसका हमें जेनेटिक जो भी मटेरियल चाहिए, सीक्वेंसेस चाहिए, वो सब बायो इन्फो के थ्रू ही हो सकता है। तो भाई फर्स्ट ईयर में तो कंपलसरी है, मुझे पता चला फर्स्ट ईयर में तो आपको कंपलसरी पढ़ना ही है। राइट, तो फ्यूचर में जैसे हमने आपको इतने सारे एप्लीकेशंस बताए, उसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस बायो इन्फो के थ्रू हम लोग बिलीव करते हैं कि आएंगे, बिकॉज बायो इन्फो के थ्रू बहुत ईजी होता है डेटा मेंटेन करना, जो भी माइक्रोब्स है उनका मतलब जो एक माइक्रोब है वो दूसरे से कैसे लिंक्ड है वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे कोविड के केस में हुआ, कोविड के केस में भी रिसर्चर्स ने विद द हेल्प ऑफ बायो इन्फो पता लगाया कि ये इसका सोर्स क्या है, और फिर वो एक वायरस दूसरे वायरस से कितना जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो इन सब इन्फॉर्मेशन के लिए वी नीड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो वी बिलीव कि फ्यूचर में बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू भी माइक्रोबायोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसा लगा आपको डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी का कैंपस? हालांकि आपका कैंपस थोड़ा अलग भी है, आप दूसरे बिलापुर वाले कैंपस में होते हो लेकिन यहाँ भी आते रहते हैं, शायद 2-2.5 किलोमीटर की ही दूरी है, 2.5 से 3 किलोमीटर की, तो आपको तो लगातार आना होता होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का कैसा लगा? इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको एक बात मैं बताना चाहूँगी हमारे कॉलेज के बारे में जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है कि करिकुलम जो भी बायोटेक के सब्जेक्ट्स है, बीटेक बायोटेक बहुत कम सुना होगा, हम लोग बीटेक बायोटेक कर रहे हैं अभी, तो हम जानते हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स है वो बहुत रेलेवेंट है, और हमें जो सेमेस्टर में जो इंट्रोड्यूस करना चाहिए एग्जैक्टली वही सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और जैसे मैंने आपको अभी बताया बायो इन्फो, एक्चुअली देखा जाए तो वो नेसेसरी नहीं है बायो इन्फो इंट्रोड्यूस करना बायोटेक के करिकुलम में, बट हमारे कॉलेज ने किया बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि उसका इम्पोर्टेंस बहुत है जी। तो उसके करिकुलम से मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक जो भी सब्जेक्ट्स है वो बहुत रेलेवेंट है, और मतलब आजकल जो भी चाहिए अभी कॉलेज पास करने के बाद, आई थिंक हम लोग के पास उतना नॉलेज है कि जो भी रिक्वायर्ड है सब्जेक्ट्स उनके बारे में हमें बेसिक नॉलेज है। अच्छा, एंड व्हाट डू यू से अबाउट दैट के एक और अब मेरे पास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि व्हाट्स योर स्कोप इन दिस फील्ड अहेड? ये फील्ड का बहुत ज्यादा स्कोप है। अभी हम लोग देख चुके हैं कि जब पैंडेमिक आ गया था एंड वायरस ने तहलका मचा दिया था पूरे दुनिया में, लेकिन वहां पे ये जो फील्ड है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, बिकॉज अगर वैक्सीन बनता ही नहीं तो शायद से अभी भी हम लोग यहाँ पे नहीं आ पाते आपका रेडियो शो के लिए। तो ये फील्ड का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, आगे और बढ़ने वाला है, क्योंकि आगे जाके अभी वो वॉर्स बहुत कम होने वाले हैं जहाँ पे जंग किसी पिस्तौल या किसी स्वॉर्ड से लड़ने वाले, तो बायो वॉर्स चलते हैं। एंड अगर आपको बायो वॉर्स को डिफीट करना है तो आपको बायोटेक्नोलॉजी में एक्सेल करना ही पड़ेगा। आपका देश अगर बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स को जानता है, अगर उसमें प्रगति कर रहा है, इसका मतलब आपका देश एक्चुअली बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। वंडरफुल, राइटली सेड। और एक और सवाल है मेरे पास आप लोगों के लिए, वो ये कि प्लीज टेल अस अबाउट योर फैकल्टी, आप बारी बारी से बता सकते हैं प्लीज बताएं, क्योंकि फैकल्टी आपको कितना सपोर्ट करती है, कितना सपोर्ट रहा है उन्होंने, कितना सपोर्ट आप लोगों के लिए किया है। कई बार जब आप परेशान थे खासकर कोविड के वक्त, कोविड के बाद, तो किस तरह से उनका सपोर्ट रहता है और रहा है? हम लोग डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स से है जी। तो वहाँ पे हम लोग की एक बहुत अच्छी फैकल्टी है जो हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करती है एक्चुअली। एंड हम लोग का स्टार्टिंग का 3 सेमेस्टर्स ऑनलाइन था, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ते थे, गूगल मीट पे ही पढ़ते थे, लेकिन वहाँ पे भी टीचर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है हर तरह के। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच इन गूगल मीट्स बिकॉज आपका इंटरेक्शन वैसे नहीं है, लेकिन टीचर्स ने अपना फुल कोशिश किया है कि उनका जो भी नॉलेज है वो हम तक पास ऑन हो, एंड जो भी हमारे डाउट्स हो वो क्लियर हो। एंड हमारे कॉलेज की एक बहुत अच्छी बात है कि हर 10 स्टूडेंट्स या 5 स्टूडेंट्स को एक टीचर असाइन किया जाता है चारों साल के लिए, कि आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जो आप डील कर रहे हो, चाहे एकेडमिक से रिलेटेड हो या ना हो, आप उनको जाके बता सकते हो एंड वो आपको सोल्यूशन बता सकते हैं उसके लिए। वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है। एक्चुअली चीयर्स फॉर द फैकल्टी, उन्होंने इतनी हेल्प की और बहुत अच्छे से उन्होंने काफी सारी हर बार सपोर्ट किया अपने स्टूडेंट का। पूजा, यू आर टेलिंग समथिंग। तो पृथ्वी ने जो कहा, मैं बस वो एड ऑन करना चाहूंगी कि
जो भी हमारे लेक्चर्स भी होते हैं बहुत इंटरेक्टिव होते हैं एंड एक डिस्कशन टाइप होता है. ऐसा कभी भी नहीं है कि हम लोग को अगर कुछ डाउट्स है तो हम लोग को थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं होती मैम को डाउट्स पूछने की, सर से कुछ पूछने की. तो आई वुड से कि बहुत इंटरेक्टिव होते हैं एंड जो दे ट्राई देयर बेस्ट कि उनसे जो भी पॉसिबल मीन्स है वो हम लोग को बेस्ट एक्सप्लेन करने का हमेशा ट्राई करते हैं. तो आप लोग कुछ गाते वाते भी कुछ गुनगुनाते हो क्या, या आपने तो कोई और गाकर कुछ गुनगुनाता है तो प्लीज कुछ गुनगुनाइए. हाँ पूजा अगर गाती है तो बहुत अच्छी बात है. तो पूजा की तरफ से आज डेडिकेट करते हैं हम जितनी भी फैकल्टी हमारी है बायोटेक्नोलॉजी बायोइनफॉर्मेटिक्स की, स्पेशली देवजानी दास गुप्ता अगर सुन रही हैं हमें और स्मिता भी हैं यहाँ पर, तो प्लीज उन लोगों के तक पास तक भी ये बात पहुंचेगी. कुछ भी आप गुनगुनाना चाहो तो उनके लिए डेडिकेट करिए गुनगुना. मेरे दिमाग में जो गाना आ रहा है मैं वो गा रही हूँ. हाँ जो भी हो. मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना. वाह वंडरफुल, बहुत अच्छा गाया है पूजा ने. और मतलब जो बहुत सारे टैलेंटेड जो स्टूडेंट हैं वो अब आ रहे हैं, क्योंकि हमें ये तो पता होता है क्लासेस ले रहे हैं लेकिन गाने वाने वाले और आर्ट वाले को भी पता चला कि आप बहुत अच्छा गाती हो और बहुत प्यार से उन्होंने गाया है. तो फैकल्टी के पास ये तक गाना पहुंच चुका होगा, लेकिन अब आपसे सिर्फ एक ये सवाल है वो ये कि यंग एस्पायरेंट्स अगर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं आपसे पूछें, जो यंग स्टूडेंट बाहर हैं और वो बोलते हैं कि भाई व्हाई वी चूज डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, मतलब आप चाहते तो कोई और कॉलेज भी चूज कर सकते थे, बट व्हाई, कोई एक अगर आप अपनी तरफ से मैसेज देना चाहें कहना चाहें. मैं यही कहूँगी कि डीवाई पाटिल जैसे हमने आपको रीजंस बताया कि सबसे पहला तो करिकुलम, आई डोंट थिंक कि इतना अच्छा करिकुलम इज़ पॉसिबल कोई और कॉलेज में, बिकॉज बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है, बहुत ही मतलब बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चूज़ किया है हमारे कॉलेज ने, बायोटेक एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स और जो भी कुछ सब्जेक्ट्स उनके हिसाब से मतलब हमें नॉलेज होना चाहिए वो सारे सब्जेक्ट्स है और सही लेवल पे है, सही सेमेस्टर्स में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, विच इज़ व्हाई आई थिंक स्टूडेंट्स शुड चूज आवर कॉलेज. अच्छा एक्चुअली थोड़े दिनों पहले मुझे एक अननोन पर्सन ने ऐसे कांटेक्ट किया था. एक्चुअली मैं कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ. हाँ तो उन्होंने कांटेक्ट करके बोला था कि हाय भैया मैं यहाँ पे एडमिशन लेना चाहती हूँ तो कुछ बता सकते हो क्या. तो सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि कौन सी बुक्स लूँ. तो सबसे पहले तो आपको कोई बुक्स लेने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास लाइब्रेरी है, आपको बस लाइब्रेरी में आना है, कार्ड दिखाना है एंड बुक्स, जो बुक्स आपको रेलेवेंट लगती है जो हम लोग के करिकुलम में दी गई है कौन से बुक्स आपको लेने चाहिए पढ़नी चाहिए वो पढ़ना है. तो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड हियर, आपको बस आना है पढ़ना है एंड एनुअल करो बस, बाकी सब एक्चुअली इट विल बी टेक केयर बाय डीवाई पटेल. वही वही एंड एक्चुअली हम लोग का कॉलेज में फर्स्ट भी है, दो फर्स्ट है स्पीशीज एंड टेक्नोजार करके, स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स है तो हम लोग उसके बारे में बोलेंगे. तो वो भी बहुत अमेजिंग रहता है. हम लोग ने इस बार खुद से किया था, इवन पूजा इज द साइंटिफिक सेक्रेटरी ऑफ अवर कॉलेज तो उसने टेक्नोजार किया था. तो बहुत मजा आता है कॉलेज में, हर एक चीज होती है, मजा भी आता है पढ़ाई भी होती है. मतलब वर्कआउट पार्टी आर्डर वाला मामला है. यूनिवर्सिटी का अपना स्टेडियम इनके पास है, इन्होंने काफी सारे मैच देखे हैं, आईपीएल डब्ल्यूपीएल और फीफा सॉकर लीग इन्होंने देखी और स्पेशली इन्होंने जस्टिन बीबर वाले कॉन्सर्ट्स देखे हैं, वो सब होते रहते हैं. और इसके अलावा क्योंकि कम उम्र में जिस तरह से साइंटिफिक काउंसिल यहाँ पे बन गई है, डायरेक्टर बन गई है, पूजा काम कर रही हैं और पृथ्वी काम कर रहे हैं, आज हम लोगों के बीच निशिता है. निशिता एक्चुअली शी इज मेकिंग द वीडियो ऑल्सो और वो अपने बहुत अच्छे से अपनी फील्ड में भी ये काम कर रही है, स्पेशली जैसे उन्होंने बताया कि भाई काउंसिल में भी हैं वो, तो सारी की सारी चीज़ें ये लोग लेकर चल रहे हैं. आप लोग भी आ सकते हैं हम लोगों के बीच और ऐसे ही कोई ना कोई नया काम कर सकते हैं. स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आज इनके स्टूडेंट के साथ बहुत सारी बात हुई, हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता चली. जितनी फैकल्टी हम लोगों को सुन रही है, स्टूडेंट सुन रहे हैं, प्लीज बी इन टच, बी विद अस 90.4 MHz कम्युनिटी रेडियो पर. ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी. दोबारा आप लोगों से आज मुलाकात होगी हमारी 2 से 3 के बीच में. आज एक और टीम आ रही है, कौन सी उसके बारे में जरूर बताऊंगा मैं आप लोगों को. स्टे ट्यून्ड, बी विद अस, थैंक यू सो मच.